थैंक यू। अब यहाँ पर मुझे रिवाइव मिल जाता है और मैं यहाँ पे हीलिंग करता हूँ फटाफट से। अब देखना है यहाँ पे होता क्या है। ये गधे के बच्चे हैं टीममेट्स। हेलो गाइस, कैसे आप सभी, आप सभी का स्वागत है मेरे इस इंडियन गेमिंग चैनल पर। और मैं एक और BGMI के ब्रांड न्यू वीडियो ला चुका हूँ जिसमें मैं नया अपडेट खेल रहा हूँ भाई। और यहाँ पे हम लोग उतरते हैं, मतलब मैं तो यहीं पे उतर जाता हूँ और मेरे नूब गधे के रैंडम के बच्चे टीममेट्स वो जाते हैं दूसरे वाले जगह पर। तो मैं यहाँ पर फटाफट से उतरता हूँ और यहाँ पर बंदों की बौछार होने वाली है और जो भसड़ मचने वाली है वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है भाई। और ये वाले गेम प्ले में भाई दो गेम प्ले डाल रहा हूँ मैं, एक इरेंगल का है और एक लिविक का है। तो यार एंड तक ज़रूर देखना भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे भी उतरते फटाफट से नीचे। अब यहाँ पर मुझे मिलती है फार्मर्स और यहाँ पे बंदे लेट उतरते, देखो क्या हाल करता हूँ मैं। अब यहाँ पर तो ये भसड़ दो मची है, मेरे को तो पता ही नहीं भाई कौन किसी किल चोरी कर रहा था। तो यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ क्योंकि मुझे सामने से फुटस्टेप्स आ रहे थे, मुझे साउंड आ रहा था भाई सामने कोई ना कोई था। तो वहाँ पर मुझे नमूना दिख जाता है, अब देखना इसको क्या मारता हूँ मैं। ये लपेटा कैंपर को, गधे का बच्चा कहाँ बैठ के कैंप कर रहा है, वो दो डब्बों के बीच में। तो मैं क्या ही बोलूँ यार ऐसे बंदों को, यहाँ आके तो कैंप मत करो भाई, यहाँ आके रस खेलो भाई, केडी बढ़ाओ भाई, तुम गधे के बच्चे हो। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ बाहर साइड क्योंकि मुझे बाहर से फुटा रहे थे। तो ये बंदे को भी नॉक क्या ही देता हूँ, यहाँ पर डब्बे के पीछे बैठ जाता हूँ मैं और सामने बंदा आ जाता है। इसको बड़े आसानी से मैं नॉक दे देता हूँ और यहाँ पे इसको फटाफट से फिनिश डाल देता हूँ मैं। और यहाँ पे उसको शायद पीछे से टीममेट कवर दे रहा था बट वो मेरे को पीछे दिखता नहीं है। तो मैं यहाँ से अभी बाहर निकल जाता हूँ पूरा और यहाँ पे फटाफट से लूट कर लेते हैं, स्कारल उठा लेते हैं। और मैं थोड़ा वेट तो करता हूँ यार पीछे से पीक वीक दे कोई, पर ये पीछे कोई भी पीक नहीं देता। तो मैं यहाँ से अभी फटाफट से मॉली उठाता हूँ और निकल लेता हूँ दूसरी जगह रश करने क्योंकि पीछे मेरे किल्स आ रहे थे। अब सामने से फाइट चल रही थी, अब यहाँ पे देखना क्या ही नमूनापंती होती है। यहाँ पे मैं वेस्ट उठाता हूँ, उठाता ही नहीं है वेस्ट बंदा भाई, अब जाके उठाता है। और मैं जाता हूँ वहाँ के फटाफट से, फाइट हो रही थी बहुत तगड़ी वाली और यहाँ पे भी भाई मैं क्लच करते करते रह गया, क्या बोलूँ मैं। तो इसका तीसरा बंदा आया कहाँ से, लेफ्ट से आ गया यार। और मतलब मेरे रैंडम टीममेट ना भाई गधे के पिल्ले हैं भाई, इन्हें कुछ नहीं आता, अगर साथ में रहते तो कवर मिल जाता और मैं क्लच कर चुका होता भाई। क्या ही बंदे हैं ना भाई रैंडम्स, भाई क्या ही बोलूँ। मैं यहाँ पे फिर से रिकॉल हो जाता हूँ ऑटोमेटिक और यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे मैं भाड़ में जाए भाई टीममेट्स। ये गधे के, ये देखो ये खिड़की तो इतनी बड़ी नमूनी है ना, क्या बोलूँ, सामने मुँह पर बंदा आ जाएगा तो नॉक ही दे देगा डायरेक्ट। मेरी खिड़की बड़ी नमूना बनती की है और यहाँ से मैं फिर से यहाँ से बाहर जाता हूँ और यहाँ पे फिर से खिड़की आ जाती है। हे भगवान, ये खिड़की भाई, ये बनाए क्यों है खिड़की भाई, कांच लगा देते हैं, मैं बाहर से घूम के आना पड़ता है मेरे को मजबूरन। मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, अब मुझे आते सामने से फुट, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ थोड़ा सा क्योंकि अंदर भी था बंदा एक और एक बाहर से भी। तो मैं यहाँ पर लूट करता हूँ भाड़ में जाए टीममेट्स, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है रैंडम से। अब यहाँ पर आते मुझे पता था ऊपर बंदा है और यहाँ पर सामने भी बंदा होता है, देखो कैसे नॉक देता हूँ मैं। अब यहाँ पे ये जो रिकॉल हो गया है इसने मेरे को एक एच पी नॉक।
मैं नॉक हो जाता हूँ। अब यहाँ पे जाता हूँ मैं पीछे कवर लेने, कवर में, ताकि मेरे को टीममेट रिवाइव करे। तो अभी मैं यहाँ पे फटाफट से रिवाइव हो जाता हूँ। ये हो गया मैं रिवाइव, और यहाँ पे मैं मेडिकेट मारता हूँ। अब देखना यहाँ पे होता क्या है। ऐसे टीममेट्स भगवान किसी को ना दे, मैं तो बता रहा हूँ भगवान किसी को ना दे। ये ऐसे नमून गिरी, ये दूसरा नंबर नॉक, ये मॉली डालता है यहाँ पे होशियारी में, ये मेरे पे ही मॉली कर देता है। हे भगवान, ये खुद तो खुद नॉक होता है और मेरे को भी नॉक लेकर लेके जाता है, और मैं यहाँ पे फिनिश। भाई क्या बोलूँ मैं ऐसे बंदों को, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता भाई साहब। अब मैं दूसरा गेम प्ले चालू करता हूँ, जिसमें ये है लिबिक का गेम प्ले। तो यहाँ पे भी जिस लेवल की भसड़ मत थी, मेरे को तो पता ही नहीं मैं किसको नॉक दे रहा हूँ और क्या नॉक दे रहा हूँ। देखते जाओ बस आप लोग। कौन नॉक दे रहा है, कौन फिनिश दे रहा है, किसकी किल चोरी हो रही है, किसकी नहीं हो रही, भाई कुछ पता ही नहीं है यहाँ। मैं कोशिश करता हूँ नहीं नॉक, और मैं यहाँ पे एक HP हूँ। अब मुझे आता है अंदर से साउंड, ये बंदा नॉक हो गया मेरा टीममेट, और यहाँ पे मुझे सामने से साउंड आ रहा था, इसको नॉक होता है, ये नॉक, और इसको डायरेक्ट फिनिश, क्योंकि किल जा रहे हैं। इसको फिनिश दे देता हूँ मैं यहाँ पे, और मेरे पास देखना है AKM में 4 गोली बाकी है, मात्र 4। मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ भाई मेडिकेट, मेडिकेट कुछ नहीं मिलता मेरे को। अब ये सामने वाला बंदा मॉली करने की ट्राई करता है, मैं भाग लेता हूँ यहाँ से बाहर। ये बड़ी मॉली कहाँ पर गया, इस ये बंदे को किसी और नॉक दे देता है, और यहाँ पे मेरी एक और किल गायब हो जाती है। तो मैं उसको नॉक दे देता हूँ जिसने इसको नॉक दिया। भाई मैं नॉक हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पे AKM की गोली ही नहीं थी और मेरे पास हेल्थ भी नहीं थी, तो मैं यहाँ पे नॉक और फिनिश डायरेक्ट डायरेक्ट, वरना मैं भाई इसको भी नॉक दे सकता था। अब मैं ढीठता की वजह से भाई मैं यहीं पे उतरता हूँ फिर से, मेरा टीममेट जाए कद्दू लेने, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, गधे के बच्चे हैं, पता नहीं कैसे नॉक हो जाते हैं यार। कोई क्या बोलूँ मैं यहाँ पे भाई, समझ में नहीं आता मेरे को। यहाँ पे मैं फटाफट लूट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पे भाई बिना एमओ होने की वजह से मैं बहुत बार मर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे फटाफट से लूट करता हूँ, ये UBZ उठाता हूँ मैं, और यहाँ पे मुझे पीछे से पड़ रही होती है, बट मैं बच जाता हूँ। यहाँ पर मैं ड्रिंक विंग करके बाहर निकलता हूँ। अब देखना यहाँ पे मैं क्या ही, एक गोली नहीं लगती भाई वो बंदे को। यहाँ पर मेरे को नॉक देना चाहिए था, बट मैं नॉक दे नहीं पाया। अब यहाँ पे एक, इसने एक को नॉक डाला है और फिनिश डाल दिया। लेफ्ट में भाई धुआं दिख रहा मेरे को। अब मुझे यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं दिखी भाई, सीढ़ियाँ दिख, हाँ ये रही सीढ़ियाँ। मैं यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाता हूँ, अब देखना क्या ही नॉक करता हूँ मैं इसको। यहाँ पर ये भाई साहब को भाई हेड पड़ गया था, और इनकी जन रिलोड पे आ गई थी, तो भाई इन्हें नॉक और फिनिश डाल देता हूँ मैं यहाँ पे आराम से, बड़े ही आराम से फिर लूट करने लगता हूँ मैं। और यहाँ पे देखना क्या ही नेड़बाजी होगी अभी। मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, मैं उसको कवर देने की मतलब दिखता नहीं है, तो इसको फिनिश डाल देता हूँ डायरेक्ट। तो क्या ही बोलूँ भाई, मेरे तीनों टीममेट फिनिश हो चुके हैं, तीनों के तीनों रोबोट बन के घूमे जा रहे हैं अपनी मौज मस्ती में भाई, क्या ही बोलूँ मैं। पे सामने वाले बंदे मेरे पे नेड़ करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे नेड़ ये लोग नीचे कर रहे होते हैं, मैं यहाँ पे दुबुक के पैर जाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ओपनिंग मिलती है, देखना क्या ही मारूंगा मैं। दिखता है मुझे बंदा, और यहाँ पे मैं मॉली डाल देता हूँ उसके ऊपर। अब यहाँ पे ये तो नॉक हो जाएगा आराम से, क्योंकि वहीं पर बैठा हुआ ये, और उसका टीममेट आता है, और यहाँ पे देखना क्या ही मारता हूँ मैं भाई। इस बात के लिए तो लाइक बनता ही है भाई।
ये भी बंदा तगड़ा खेला। और अभी फ़िलहाल फटाफट से हील मारता हूँ, लूट करता हूँ, और ये दोनों को अभी आराम से मार दिया मैंने। भाई बंदा हार्ड खेल रहा था वैसे भी, बट मेरे से ज़्यादा हार्ड नहीं खेला। तो मैं यहाँ पे मंगाता हूँ भाई वो कैप्सूल से वो गाड़ी, तो यहाँ पे मैं गाड़ी मंगाता हूँ और यहाँ से भाग लेता हूँ, क्योंकि जोन नहीं है यहाँ पर मेरे पे और जोन के अंदर जाना है मुझे। तो यहाँ पर मैं ये गाड़ी पता है कंट्रोल ही नहीं होती, सच बता रहा भाई, मैं ये गाड़ी कंट्रोल ही नहीं होती भाई मेरे से। मैं एकदम फटाफट से बाहर निकलता हूँ जोन के और मुझे यहाँ पे पीछे से फायरिंग आती है। मैं वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता हूँ, क्योंकि जोन के अंदर आना था और बाहर जो जोन के बंदे बैठे हुए हैं उनको मैं देखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। अब ये बंदे गाड़ी में बैठते हैं। गोली नहीं लगी, देखता हूँ अब। और फाइनली एक बंदा नॉक। अब मैं इसको फिनिश करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये घास की वजह से साला मेरे को फिनिश नहीं दे पाता मैं। तो यहाँ पे मैं भी एक को तो नॉक दे देता हूँ। फाइनली भाई वो गाड़ी पे पता नहीं स्प्रे कैसे नहीं लगा, मेरे को लगा नॉक तो हो जाना चाहिए था, बट वो गाड़ी को अच्छा खासा कवर मिल गया। यहाँ पर मेरे को ये बॉट मिलता है, इसको नॉक एंड फिनिश डाल देता हूँ मैं फटाफट से। यहाँ पे मैं बहुत वेट करता हूँ कि बंदे आएंगे भाई जोन के बाहर से, मैं उतारूँगा गाड़ी से ये लोग को। इस बार पिछली बार तो नहीं उतार पाए, अब उतार दूँगा, बट ये गधे के बच्चे पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे पीछे बढ़ लेता हूँ, क्योंकि पीछे फायरिंग होती थी। अब मैं ये बंदे की किल चोरी कर लेता हूँ, है ना। अब मैं जिसको नॉक निकालने जाता हूँ वो मेरी किल चोरी करने वाला है। ने तो हिसाब बराबर कर लिया, अब इसका हिसाब मेरे को निपटाना पड़ेगा भाई। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, मेरे को यहाँ पे कोई दिखता तो है नहीं। अब ये बंदा अचानक से मेरे को देता है, अब मैं भी शांत हो गया और वो भी शांत हो गया। वो उसको एक हेड पड़ा है तो वो आराम से हील करेगा, मेरे को भी एक हेड पड़ा है, मेरे को हेड नहीं पड़ा वैसे, मेरे को बॉडी पड़ी, तो मैं हील करता हूँ आराम से। तो मैं यहाँ पे बहुत पीक लेता हूँ उसके ऊपर, बट यार वो बंदा पीक लेके ही नहीं देता, पता नहीं कि उसकी फट गई थी एक तरह से भाई, स्प्रे बोलते हैं। फिर बाद में यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ, पूरा पीछे भागता हूँ, क्योंकि मेरे पास एमओ ही नहीं थी M4 में, मेरे को यहाँ पे इसको लूटना था। मैं यहाँ पे डालता हूँ एक स्मोक और यहाँ पे मैं एक और किल, मज़ा आ गया भाई, एक नंबर मज़ा आ गया भाई। मतलब किल चोरी पे किल चोरी किए जा रहा हूँ मैं। अब मेरे को यहाँ पे स्प्रे आता है बहुत गंदा वाला। अब मुझे लगता है भाई यहाँ पे गेम ख़त्म हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे जैसे तैसे बच जाता हूँ। अब यहाँ पे वो बंदा दिखता ही नहीं मेरे को, अब तो मैं पीछे बढ़ लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पीछे से फायरिंग, मतलब ऐसा लग रहा था भाई पीछे बंदा है कोई ना कोई, तो बट यहाँ पे पीछे तो कोई नहीं होता, तो मैं आगे बढ़ने लगता हूँ। यहाँ पे मेरे को देखता हूँ मैं फिर से, यार कोई बंदा दिख जाए। वो बंदा दिखने का नाम नहीं लेता भाई, पता नहीं कहाँ पर बैठा है वो। बंदा आता है उड़ते हुए, ये आया उड़ते हुए भाई, मेरे को लगता पीछे जाएगा, मैं पीक करके बैठा था और मैं यहाँ पे हो जाता हूँ फिनिश। क्या ही बोलूँ भाई, बहुत बुरा मरा मैं, वरना मैं अच्छा खासा किल कर चुका होता। नेवर माइंड।